Preparations for the 2024 election, the Great Festival of Democracy, are now being finalized. Officials of the Election Commission of India themselves are on a three-day tour in Uttar Pradesh and are examining the preparations of the election. In such a situation, it is very challenging to conduct elections in a peaceful manner. However, like every time, this time too, the availability of police force is being increased to conduct the elections in a fair and peaceful manner. Along with all the security forces, Home Guard soldiers of Uttar Pradesh will also play a big role in the Great Festival of Democracy. According to the demand, this time 50,000 Home Guard soldiers will be on duty in the elections. This number may also increase, and this has been possible due to the efficiency and effectiveness of the Home Guard soldiers. Hornbill TV's Anup Chaudhary has a special conversation with Director General of Police Home Guard Vijay Maurya on the issue of how the soldiers will be trained for the election. Listen to what DG Home Guard said. यूपी होमगार्ड डीजी बीके मौर्य जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से होमगार्ड के जवानों की उपलब्धता आजकल हर जगह बढ़ रही, चाहे प्राइवेट संस्थान हो या फिर सरकारी संस्थान, और सबसे बड़ा जो पर्व आने वाला है लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव आने वाला है, ऐसे में होमगार्ड की उपलब्धता वहाँ पर कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि काफ़ी डिमांड होगी होमगार्ड के जवानों को, तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे और क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है कि होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स की मांग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी रहती है। अभी जो हाल में चुनाव संपन्न हुए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, हर जगह हमारे होमगार्ड्स के जवान गए थे। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में हमने 50,000 होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश के लोकसभा इलेक्शन में उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ हमें उत्तराखंड से भी 7,000 होमगार्ड्स की डिमांड आई है। अब आवश्यकता होगी, यदि वहाँ पर ऐसे डेट्स रहेंगे जहाँ पर उपलब्ध करा सकेंगे तो उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स पूरे देश में अपना बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। यहाँ के अपने डिसिप्लिन, इनकी कार्य क्षमता, इनकी कार्य दक्षता निश्चित रूप से अतुलनीय है। यही कारण है कि चाहे वो चुनाव हो, महाकुंभ का मेला हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे व्यावसायिक अन्य ड्यूटियाँ हों, सब जगह इनकी पूरी पूरी मांग रहती है। हर क्षेत्र में होमगार्ड के जवान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने भी कहा, चाहे उनकी कार्यकुशलता हो, कार्य क्षमता हो, तमाम तरह के, लेकिन अगर कमी पड़ती है तो उस कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि आए दिन जिस तरह से उनकी डिमांड बढ़ रही है, और जाहिर सी बात अभी आपने कहा उत्तराखंड से भी डिमांड आई है, लोकसभा का चुनाव भी है, ऐसे में कमी जब होती है तो उसको कैसे पूरी करेंगे? नहीं, अभी निश्चित रूप से थोड़ी कमी है होमगार्ड्स की। हमने शासन को लिखा भी है कि इसकी पूर्ति जल्दी से जल्दी कर दी जाए। अभी 80,000 से भी कम हो गए हैं हमारे होमगार्ड के जवान, जबकि पूरी की पूरी 1,18,000 की टोटल स्ट्रेंथ सैंक्शनड है। तो प्रयास करेंगे, हम शासन से प्रयासरत हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी और भर्ती हो। होमगार्ड के जवानों को लोग आशा की नज़रों से देखते हैं, काफ़ी उनमें जो है जिस तरह से चेंजेस आए हैं, खासतौर से आप लोगों के प्रयास से, माननीय जी के प्रयास से, और जो जिस तरह से ये उत्तराखंड की डिमांड है और जो महापर्व है लोकतंत्र का, इसके लिए क्या विशेष उनको ट्रेन भी किया जाएगा चुनाव से पहले? हाँ, अच्छी तरह से इनकी ट्रेनिंग, आप जानते हैं होमगार्ड्स में ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। हमने कहा कि जो शस्त्र ड्यूटियाँ लगेंगी उसके लिए भी सारे होमगार्ड्स को प्रशिक्षित कर लिया जाए, उनके शस्त्रों का निरीक्षण कर लिया जाए। अभी तत्काल ही कुछ ही दिनों पहले माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके सभी को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि लोकसभा इलेक्शन में सभी को मुस्तैदी से ड्यूटी करनी है, पूरे निष्ठा ईमानदारी से ड्यूटी करनी है, ताकि यह लोकतंत्र का महापर्व संपन्न कराने में अब हम अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभा सकें। जाहिर सी बात है, जिस तरह से होमगार्डों की कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है, उसकी वजह से ही अब होमगार्डों के जवानों की डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड को पूरी करने के लिए अब एक प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप विजय मौर्य जी ने बताया, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड, इनका साफ कहना है कि इनकी क्षमता को देखते हुए इनकी डिमांड बढ़ी, और डिमांड कैसे पूरी की जाए उसके लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। वीडियो जाने अनिल सैनी के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।